क्या बन रहा है? ये बन रही है तरड़ी की सब्जी। तरड़ी की सब्जी? अच्छा। ये तरड़ी उखाड़ के लाई जमीन में से। देसी सब्जी हिमाचल की? देसी सब्जी है हिमाचल की। तो इसको ऐसे करते हैं, पहले इसको धो लेते हैं, फिर इसको काटते हैं। पहले पील भी तो किया आपने इसके? छिला है, छिला भी है। और फिर उसके बाद जो है मैं इसको काट रही हूँ। अब उसमें कढ़ाई में तेल डालूंगी फिर पीस करके। एक हो गया। थोड़ा ही आपने इसमें आलू भी ऐड किया हुआ है? ये जरा सा डाल दिया मैंने, जरा से डाल दिया, वैसे जरूरी नहीं होता इसमें डालना। कढ़ाई में तेल डाल दिया, सरसों का तेल? सरसों का तेल। अच्छा। और उसमें कढ़ाई में ना हमने थोड़ा थोड़ा वो फ्राई करते गए। अच्छा, फ्राई कर दो। ये डाल रही हूँ ना मैं कढ़ाई, इसको थोड़ा फ्राई करके फिर निकाल देना। अच्छा, जैसे ये फ्राई कर रही हूँ पहले कुछ नहीं, ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ फिशों को। तो थोड़ी देर ऐसे 2 मिनट के लिए ऐसे कर देते हैं इनको। तो थोड़ा ढक्कन भी लगा देते हैं इसके ऊपर, ऐसे ढक्कन पास करके लगाने हैं, ऐसे अपने आप बनता जाएगा। थोड़ी देर फ्राई होता है, हाँ जी, हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे इसके अंदर इसको, और मैंने निकाल लिया। 5 मिनट रखा होगा आपने ना? हाँ, 5 मिनट तक ऐसे इसमें डाल दिया और ये रख दिया। ये ऐसे निकाल के प्लेट में, फिर इसमें मैं ऐसा करती हूँ कि ये रख लिया निकाल के ऐसे, और इसमें ऐसे डालूँगी लाल मिर्च, और डाल दिया मेथी, धनिया, ऐसे फिर उसको ऐसे थोड़ा फ्राई होने देंगे। लाल मिर्च, मेथी और धनिया के दाने? दाने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, फिर पीसा हुआ डालते हैं लास्ट में। तो पहले थोड़ा सा ऐसे डाल देती हूँ। ठीक है। फिर जैसे ले लिया मैंने ये पेस्ट, क्या किया इसमें? प्याज लहसुन अदरक, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ, तो जल्दी हो जाता है पेस्ट से? पेस्ट वैसे ना जल्दी हो जाता है, फिर जैसे मैं पेस्ट डाल देती हूँ तो ये हो गया पेस्ट है ना। तो इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करने दूँगी। ये पुरानी सब्जी है, मतलब पहले बहुत खाती थी, जैसे हम बचपन से ही खाते हैं इसको, जब खानी है तो। शहरों में भी मिलती है, आप दिल्ली में भी रहे हो, वहाँ पे मिलती थी? हाँ, मार्केट में मिलती थी, क्योंकि वो होती थी दिल्ली में भी होती थी, शिकम में भी मिली हुई है। तो हमने मिली हुई है वहाँ पर, जैसे इंडिया में खाई तकरीबन होती होगी सारी जगह ही, तो मैंने खाई हुई है दिल्ली में भी। गढ़वाल में जैसे इसको तेडू बोलते हैं, तो यहाँ पे तरडी बोलते हैं हिमाचल में, तरडी बोलते हैं, पता नहीं दिल्ली में क्या बोलते हैं, दिल्ली का बोलते हैं, बोलते क्या थे। तो जैसे लहसुन का पेस्ट और इसका अदरक का प्याज का ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा वो डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर का पेस्ट डाल के इसको फ्राई होने देते हैं बहुत देर तक। फिर उसके में डालेंगे हम लोग नमक, 1 चम्मच नमक का, और थोड़ा सा वो पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा वो हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डालते हैं। ये पिसा हुआ धनिया को डाल दिया, अब इसको फ्राई करने देते हैं ना थोड़ी देर। अब इसमें ये मसाला जो है 5 मिनट में तैयार हो गया। इसके बाद जो है मैंने वो तरडी जो थी वो इसमें डाल दी है ना, इसको ऐसे से मिला के
थोड़ी सी देर मिला दी, मिल गई ना, ओके मिल गई। मसाला तैयार हो गया इसको, इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा हम पानी, एक गिलास पानी डाल देते हैं। एक गिलास पानी डल गया ना इसमें, फिर इसको जो है हम लोग बंद कर देते हैं ऐसे थोड़ी देर ना, बनने के लिए रख देते हैं ढक। ये मेरी तरड़ी जो है ना वो तैयार हो रही है, अब थोड़ा उबल गई है, उबल गई है इसमें काफी देर रखी आपने। हाँ 10-15 मिनट तो रखी होगी। हाँ 15 मिनट के लिए। और इसको फिर मैं थोड़ा सा जैसे बन गई ना इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी रेंग दी ना मैंने इसमें, थोड़ा सा एक चम्मच जीरा और जीरा पाउडर डाल दिया, जीरा पाउडर ऊपर से डाल दिया। हाँ हरा ये डाल दिया मैंने जैसे इसके ऊपर, इसको मैंने मला लिया थोड़ा सा। अब ये जो है हमारा देखो तैयार हो गया है ना, बहुत बढ़िया तैयार हो गया। और ये तो इसको किसके साथ खाते हो आप? इसको हम खाते हैं जैसे रोटी के साथ खा लिया या तो फिर चावल के साथ भी खा लेते हैं, तो अच्छा बनता है, अच्छी डिश हो जाती है खाने के लिए।